भारत में कोरोना के मामलों के बीच बहुत बड़ी चिंताएं वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी हैं। वैक्सीन की कतारें लंबी होती जा रही हैं, वहीं वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर लोगों के बीच चिंताएं। इस बीच सरकार ने एक फैसला लिया है कि भारत का सार्वजनिक उपक्रम बिडकॉल यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड अब कोवैक्सीन का उत्पादन करेगा। इस पूरे मामले पर और इस सारे प्लान पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है प्रोफेसर वाईके गुप्ता, जो एक जाने माने डॉक्टर हैं, एम्स में प्रोफेसर रहे हैं और इस समय बिबकॉल के चेयरमैन हैं और साथ ही एम्स भोपाल और एम्स जम्मू के भी प्रेसिडेंट हैं। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है प्रोफेसर गुप्ता। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर जो देश के लोगों में चिंताएं हैं, खासतौर पर कोवैक्सीन की उपलब्धता को लेकर, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे लोगों को इस बात की चिंताएं हैं, तो बिडकॉल ये चिंताएं कब तक दूर करने की स्थिति में होगा, कब से उत्पादन शुरू होगा और कितनी तेजी से इस दूरी को या इस कमी को पाटने की कोशिश होगी? देखिए, भारत इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बिबकॉल कहते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है और हमने ये डिसाइड किया है कि हम कोवैक्सीन को भारत बायोटेक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से अपने यहाँ पर बनाएंगे और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास जगह है, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एमओयू साइन करने जा रहे हैं। इन प्रिंसिपल हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है भारत बायोटेक से और हम अगले 6 महीने में इसका उत्पादन बिबकॉल के कैंपस में शुरू कर देंगे और इसका टोटल प्रोडक्शन हम 1 करोड़ वायल्स, जो कि 5 डोजेस जिसमें कि 5 और 10 डोजेस जिसमें होंगी, उसका प्रोडक्शन हम शुरू कर देंगे। हम इस प्रोडक्शन के माध्यम से कोवैक्सीन की जो देश में शॉर्टेज है उसको काफी हद तक पूरा करने में मदद होगी। सर, बुलंदशहर के अंदर आपकी जो फैसिलिटी है बिबकॉल बुलंदशहर के अंदर उत्तर प्रदेश में स्थापित है और इससे क्या जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी हैं, कहां कहां तक सप्लाई को ईज आउट करने की कोशिश होगी? क्या उत्तर और दक्षिण भारत के अंदर एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की स्थिति होगी कि उत्तर भारत की जो जरूरतें हैं वो बिबकॉल पूरी कर दे और भारत बायोटेक दक्षिण भारत की जरूरतों को पूरा करे, इस कारण से इससे ये कैपेसिटी गैप जो है या कैपेसिटी बढ़ सके, गैप कम हो? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब हम भारत सरकार से उपेक्षित है, जो कि इसको पूरा एक कोऑर्डिनेट करेगा कि यहाँ का। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है, जो बुलंदशहर में स्थिति या नॉर्थ इंडिया में जो प्रोडक्शन होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन और ये लॉजिस्टिक्स हम अगर देखें तो उत्तर भारत में ये सप्लाई हमारी जल्दी और आसानी से पहुँचेगी। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सप्लाई इसी एरिया में ही सीमित रहे, लेकिन लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एरिया को आराम से सप्लाई कर सकते हैं। सर, क्या इससे प्रोडक्शन के बढ़ने से कीमतों में भी असर पड़ेगा? क्या कोवैक्सीन के दाम कुछ सस्ते होंगे और इसकी उपलब्धता बढ़ेगी? कोवैक्सीन या कोविशील्ड या स्पुतनिक, इन सभी वैक्सीनों के दाम भारत सरकार निर्धारित करती है, जिसको कि हम एक संस्थान है NPPA, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, उसके अंतर्गत ये सारी प्राइसेस डिसाइड होती हैं। लेकिन हम, क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम है और हमारा उद्देश्य पैसा कमाना प्राइमरी उद्देश्य नहीं है, देश की जरूरत को पूरा करना है, इसलिए हम मानते हैं कि हमारा कोवैक्सीन कीमत जो होगी, वही कीमत जो लागत होगी, वही लागत हम देश के आम जनता को पहुंचा सकेंगे। सर, आपने वायल्स की कैपेसिटी की बात की, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो वायल्स हैं जिसके अंदर 5 डोजेस होंगे, तो क्या ये जो मौजूदा वायल्स हैं उनसे थोड़े से बड़े होंगे ताकि ज्यादा वैक्सीन ट्रांसपोर्ट की जा सके, जगहों तक पहुंचाई जा सके? नहीं, इसमें हम जो स्टैंडर्ड वायल्स हैं 5 ml की
या 10 ml की, हम वही स्टैंडर्ड वॉयल्स रखेंगे। और ये इसलिए क्योंकि अगर बहुत बड़ी वॉयल रखी जाती हैं तो उसमें वेस्टेज होने की संभावना होती है, और बहुत कम वॉयल रखी जाए तो वो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए एक वॉयल इतनी होती है जिसमें 5 डोज या मैक्सिमम 10 डोज हों, जिससे कि हम अगर 2-4 लोग आए हैं तब भी हम उस वैक्सीन को यूज़ करें, और अगर हमारे पास 1 या 2 आया है फिर भी हम वैक्सीन को यूज़ करें और उसमें बचने की संभावना नहीं हो। इसलिए हम वैक्सीन को ऑप्टिमाइज या मिनिमम वेस्टेज, नो वेस्टेज, जीरो वेस्टेज हमारा उद्देश्य होगा। सर, आपने कहा कि अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर आपका जो प्लान है, लेकिन क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि बिबकॉन से पहले बैच को वैक्सीन का कितने समय में उत्पादन की स्थिति में पहुंच जाएगा? अगर हमारी जो हमने सारी टाइमलाइंस बनाई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्टार्टिंग फ्रॉम सारी चीज बनना और फिल फिनिश करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, हमने 6 महीने का टारगेट रखा है। और हमारा अपने साइंटिस्ट और स्टाफ को ये निर्देश है कि हम इस टाइमलाइन को पूरी तरीके से इसको फॉलो करें। तो हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हम 6 महीने के अंदर प्रोडक्शन बाजार में हम लेके आ जाएंगे। यानी 6 महीने में 1 करोड़ डोजेस का उत्पादन बिबकॉन देने की स्थिति में होगा? पर मंथ, हर महीने 1 करोड़ का, हम 1 करोड़ डोज का उत्पादन हम दे सकते हैं। सर, डोजेस के टाइमिंग को लेके भी, चूंकि आप फार्माकोलॉजिस्ट भी हैं, इस चीज को लेके काफी लोगों में कंफ्यूजन है, अगर आप समझा सकें थोड़ा सा कि आखिर ये अंतर क्यों और कैसे रखा जा रहा है कि कोविशील्ड के लिए 16 हफ्ते पहले 8 हफ्ते था, अब 16 हफ्ते हो गया है, लेकिन कोवैक्सीन अभी भी जो है 28 दिन ही है, स्पुतनिक के लिए 21 दिन है, तो इससे लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाया है। बिल्कुल, आपने ठीक सवाल कहा। ये जो डिफरेंस है ये हमारी स्टडीज के ऊपर डिपेंड करता है, और कितनी देर तक एंटीबॉडी रहती हैं, बनती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोविशील्ड में बाद में ये पाया गया कि 6 हफ्ते की जगह अगर हम 4 हफ्ते की जगह अगर हम उसको 8 हफ्ते रखें, और बाद में ये पाया गया कि 12-16 हफ्ते के बाद में वैक्सीन का एंटीबॉडी अच्छी रहती है, इसलिए अगर हम उसको इस लंबाई के बाद में लें, 12 हफ्ते या 16 हफ्ते के बाद में, तो उसका अफेक्ट बेटर होगा। ये जैसे जैसे साइंस अनफोल्ड होती है या जैसे जैसे साइंस से हमको पता लगता है हम अपना, इसलिए हम कहते हैं कि साइंस बड़ी डायनेमिक है, खासतौर से कोविड के लिए तो ये बहुत ही परिवर्तनशील है। जैसे जैसे हमको न्यूज़ पता लगती है हम उसी हिसाब से अपना निर्णय चेंज करते हैं। कोवैक्सीन के बारे में अभी ऐसी स्टडी नहीं आई है जिसमें कि हम कह सकें कि 28 दिन या 4 हफ्ते के बाद आप 12 हफ्ते करो या 26 हफ्ते करो, ऐसी स्टडी नहीं है। उसी तरह से स्पुतनिक अभी 21 दिन में उन्होंने कहा है, अगर वो बाद में पाते हैं कि स्पुतनिक भी 21 हफ्ते की जगह आप ज़्यादा लीजिए, तो वो समय और डेटा के हिसाब से चेंज होगा। सर, एक सवाल फिर वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर है कि बिबकॉन इस समय देश में सबसे ज्यादा पोलियो वैक्सीन बनाता है, इसके लिए जाना जाता है, और पोलियो इराडिकेशन में जो उसकी भूमिका है उसकी सभी सराहना करते हैं। क्या बिबकॉन इस स्थिति में है कि कोवैक्सीन के अलावा यदि कोई और वैक्सीन भी लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए उसे मिलता है तो वो उसे प्रोड्यूस करने की स्थिति में होगा? हमारा बिबकॉन में एक वैक्सीन का एक बड़ा अच्छा बेसिक प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए हमने पोलियो वैक्सीन के प्लेटफॉर्म से हम थोड़ा सा डिफरेंस बना करके, हमको बहुत ज़्यादा उसमें हमको कोविशील्ड या कोवैक्सीन बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने 6 महीने का टाइम इंटरवल रखा है। कल अगर हमसे कोई कहता है कि आप दूसरी वैक्सीन बनाइए, तो वो टेक्नोलॉजी का जो बेसिक मिनिमम स्ट्रक्चर है वो बिबकॉन में है, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उसके लिए अलग जो टेक्निक हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसका रॉ मटेरियल, उसका जो इम्यूनोलॉजिकल बैकअप है, वो करने में हमें समय लग सकता है। लेकिन क्योंकि हम शुरुआत से नहीं चीज़ कर रहे हैं, एक लेवल हमारे पास है, इसलिए हम कोई भी बायोलॉजिकल्स, चाहे वो इंटरफेरॉन हो, चाहे वो वैक्सीन हो,
इसको बनाने में हम आसानी से काम कर सकते हैं। हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि बिपकॉल ने सिर्फ वैक्सीन बनाने का काम अभी नहीं शुरू किया है कोविड के लिए, कोविड के साथ में साथ साथ में हमने सैनिटाइजर, सस्ता सैनिटाइजर बाजार से अगर आप देखें और उसमें एलोवेरा डाल के जो मॉइस्चराइजर सैनिटाइजर वो भी बनाया है, और साथ में हमने एक टैबलेट भी बनाई है जो कि जिंक, विटामिन सी और उसमें विटामिन सी, जिंक और कैल्शियम, ये भी विटामिन डी, इनका एक डेली मात्रा में FSSAI से लाइसेंस लेके ये भी हमने बनाया है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वो काफी बाजार में जो प्रिपरेशन है उससे सस्ता भी है। तो क्या सर ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम आता है? जो लोग इससे बचना भी चाहते हैं, रिकवर कर रहे हैं, उन लोगों में ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा? हमने अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं करी है कि जिसमें हमने इम्यूनिटी दिखाई है, लेकिन ये लिटरेचर में है कि जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी थ्री, ये तीनों साथ में देने से इम्यूनिटी में फर्क पड़ता है और उम्मीद है कि COVID-19 में इसका अच्छा असर होगा, लेकिन हम इसकी कोई स्टडी हमारे पास ऐसी नहीं है इसका, इसलिए हम इसको ऐसा क्लेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको FSSAI में ही लाइसेंस लिया। हमसे ये सारी बातें साझा करने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में वैक्सीन की किल्लत को दूर करने में एक बार फिर बिपकॉल जैसे सरकारी उपक्रम की भूमिका मजबूती के साथ सामने आएगी और देश में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाने में भी जो बिपकॉल का उत्पादन है वह सहयोगी साबित होगा। धन्यवाद। नमस्कार। ABP News आपको रखे आगे।